सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरह की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो अंडे लिए हैं, एक कप मसूर की दाल लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही तड़क जाए इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्तों से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप रेड ड्राई चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, तो कड़ी पत्ते को थोड़ा से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो टमाटर और अदरक लहसुन और जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इसका पेस्ट बनाना है और इसको ऐड कर लेना है, इसको थोड़ा सी भूनना है। और साथ ही हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, उसके बाद ही भूनेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ थोड़ा सी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की मात्रा जो है बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे रेड चिली। दोस्तों ये रेड चिली पाउडर है, और साथ ही ले रहे हैं क्यूमन पाउडर, ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है, और कश्मीरी लाल चिली है। ये रेड चिली नहीं है दोस्तों, ये कश्मीरी लाल चिली है। तो इसको थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसके लिए मैंने इसको ऐड किया है। सारे मसालों को भूनना है। अब 2 मिनट के लिए ये सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, देखिए मसाला भी हमारा भून गया है। बस इसको थोड़ा सी पानी डाल के, जो हमने जार में मसाला पीसा था उसमें ही हमें पानी डालना है। तो इसको बस मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए इसको और अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से मसाला हमारा भून गया है और मसाले से काफ़ी तेल छोड़ दिया है, तो यानी कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास अंडे थे वो तोड़ के इस तरह से डालेंगे दोस्तों, और गैस को स्लो कर देंगे ताकि मसाले और अंडे जले ना। ये प्रोसेस स्लो गैस पे ही करना है। तो दोनों अंडों को इस तरह से तोड़ के डाल दीजिए। अभी आपको चलाना नहीं है, अंडों को थोड़ा सेट होने दीजिए, उसके बाद इसको पलट देने का। तो ये देखिए अंडा थोड़ा सेट हो रहा है, उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सी पलटने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिए आपका मसाला भी ना जले, क्योंकि ये स्लो पर ही रखिए वरना मसाला जल जाएगा। साथ ही थोड़ा नमक ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो अंडा है थोड़ा सेट हो गया है। अब इसको पलट के थोड़ा थोड़ा सी पलटेंगे, एक साथ नहीं होगा, ये टूट जाएगा तो भी कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सी तोड़ना ही है फ्रेंड्स हमें। ये देखिए कुछ इस तरह से जो थोड़ा कच्चा है वो साइड से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी थोड़ा पक जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हमें थोड़ा सी सेट होए बाद दोस्तों इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में कट करना है। ये जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है, क्योंकि इसमें जब हम दाल को डालेंगे तो इसकी हल्की हल्की बाइट मिलेगी अंडे की, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। बहुत ही अलग तरीके की ये दाल बनकर जो है तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें तोड़ना है अंडे को। तो मैं सब अंडे को इसी तरह से कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ, ये देख सकते हो आप। तो अब ये रेडी हो गया है। इसमें हमें जो दाल पहले से ही उबाल के रख ली थी उसमें मैंने हल्दी डाल दिया था और नमक डाल दिया था, इसलिए मुझे और भी नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने पहले ही उबाल लिया है। अब इसको इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये टेस्ट, इसका बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेश हरी पत्तियाँ भी इसमें ऐड कर लीजिए, इसके टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देगा। तो देखिए मिक्स कर लेती हूँ इसको फिर से। अब ये बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है लच्छा पराठा, गर्मा गर्म फुल्की के साथ खाने के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।